हेलो, दिस इज अजहर और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रेस्टेक्स पे कैसे सर्च करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर बिगनर्स। अगर आप नए हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि नौकरी पे आप कैसे रेज्यूम सर्च कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स कैसे डाल सकते हैं और अपने सर्च को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले हम लोग पहुँचते हैं नौकरी की वेबसाइट पे। नौकरी की वेबसाइट पे हम लोग टाइप करेंगे naukri.com। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे एम्प्लॉयर्स लॉगिन में और फिर एम्प्लॉयर्स लॉगिन में फिर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ना ये वाला स्क्रीन ओपन होगा। ये नौकरी का फ्रंट पेज है। देन वी विल गो टू रेस्टेक्स। रेस्टेक्स में हम जाएंगे सर्च रेज्यूम्स में और सर्च रेज्यूम्स में ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें जो है पहले अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि एडवांस सर्च कैसे करते हैं। तो इस पेज पे नाम पहले है रिक्वायरमेंट यू आर हायरिंग फॉर। यहाँ पे जो है हम जो है अपनी पोजीशन डाल देंगे। जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर, या आप सिविल इंजीनियर ढूंढ रहे हो, जैसे साइट इंजीनियर ढूंढ रहे हो साइट सिविल इंजीनियर, तो यहाँ पे आप साइट सिविल इंजीनियर डाल सकते हो। फिर उसके बाद है हमारा एनी कीवर्ड्स। एनी कीवर्ड्स में कैसा होता है कि आप जो जो इसमें डालते जाओगे वो रेज्यूम में चेक करेगा इन लोगों का सर्च के, या तो ये जैसे मैं टाइप करता हूँ, आपको बताता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं टाइप करता हूँ एक्सेल, एक्सेल और उसके बाद वर्ड, उसके बाद स्कूल, तो नौकरी जो है किसी के भी रेज्यूम में एक्सेल सर्च करेगा, या तो वर्ड सर्च करेगा, या तो स्कूल सर्च करेगा। और यहाँ पे आपको सजेशंस भी दिखाएंगे। आप जो स्टार्टिंग में एक दो वर्ड डालेंगे उसके बेसिस पे ये कुछ आपको सजेशंस भी दिखाते हैं। ठीक, फिर आ गया हमारा ऑल कीवर्ड्स। ऑल कीवर्ड्स में जैसे हम डालेंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो कैसा है ये जो है, ये तीनों सर्च तीनों चीजों को आपके रेज्यूम में देखेगा। जैसे अगर उसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर लिखा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल और सिविल तीनों चीजें लिखी है ना, अगर तीनों चीजों का उसने काम किया है या कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो ये तीनों चीजें उसके रेज्यूम में अवेलेबल होंगी, तभी ये सर्च होगा। ठीक है, तभी रेज्यूम ओपन होगा। एनी कीवर्ड्स में अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज भी अवेलेबल है उसके रेज्यूम में, तो वो रेज्यूम ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा एक्सक्लूडिंग कीवर्ड। जैसा कैसा होता है, बहुत बार हम लोगों को बहुत सारे कीवर्ड्स उस रेज्यूम में नहीं होने चाहिए। जैसे उसने सिविल का काम किया हुआ हो पर इलेक्ट्रिकल का नहीं किया हुआ हो, मैं बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स में डाल देंगे इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ये अगर किसी रेज्यूम में अवेलेबल होगा तो वो वाला रेज्यूम ओपन नहीं होगा। फिर उसके बाद आ गया आपको ये जो है एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स एंटायर रेज्यूम में से नहीं चाहिए, या रेज्यूम सिनॉप्सिस में नहीं चाहिए, या रेज्यूम टाइटल और की स्किल्स में नहीं चाहिए, या रेज्यूम टाइटल में नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमारा है टोटल एक्सपीरियंस, मिनिमम और मैक्सिमम आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे आप जैसे डाल सकते हो 5 to 10 years, उसके बाद आप जैसे ये हो गया, और फिर एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी में भी आपके पास दो ऑप्शन है, रुपीज और यूएस डॉलर। आप यूएस डॉलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, रुपीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो रुपीज में जैसे आपको चाहिए ये ईयरली एनुअल सैलरी, हाँ जैसे आपकी आपको अज्यूम कर लो आप एनुअल सैलरी 4,20,000 दे सकते हो और मैक्सिमम आप दे सकते हो 8 lakhs। ठीक है, तो जिस बंदे की सैलरी रेंज 4,20,000 से 8,10,000 होगी वही सर्च होगा। उसी तरह इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट मेंशन देयर करंट सैलरी, और जिन लोगों ने अपनी करंट सैलरी मेंशन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नौकरी पे जो अपना रिज्यूम पोस्ट करते हैं, वो लोग अपनी करंट सैलरी नहीं अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उनका रेज्यूम भी आ जाएगा, उनकी कितनी भी सैलरी हो आपको वो रेज्यूम दिखाएगा। फिर आ गए हम ये लोग अपनी करंट लोकेशन पे। करंट लोकेशन मतलब कि हम वो बंदा करेंटली कहाँ पर है। जैसे अगर हम मुंबई के लिए हम बंदा ढूंढ रहे हैं और वो मुंबई में ही है तो हम मुंबई टाइप करेंगे। ओके, और अगर उसकी करंट और प्रेफर्ड लोकेशन, प्रेफर्ड मतलब जैसे वो मुंबई में जॉब कर रहा है, मुंबई में रह रहा है और वो ढूंढ रहा है जॉब दिल्ली के लिए, तो हमारी जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेफर्ड लोकेशन हमारी हो जाएगी
जैसे मुंबई का बंदा है, मुंबई का कैंडिडेट है और दिल्ली के लिए ढूंढ रहा है, तो ये हम डाल देंगे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में। फिर ये ऑप्शन है शो ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज प्रिफर्ड लोकेशन मैचेस एग्जैक्टली। मतलब कैसा होता है कि उस बंदा की प्रिफर्ड लोकेशन भी मैच होनी चाहिए, कि वो उसका प्रेफरेंस होना चाहिए कि वो दिल्ली में काम करना चाहता है। ठीक है, अगर उसकी प्रेफरेंस आपको ऐसे मैच करनी है तो आप इस पर टिक कर देना, तो प्रिफर्ड लोकेशन मैच हो जाएगी। तो ये फिर इसके बाद आप ये जो है सर्च बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले होंगे इसमें, तो वही ओपन होंगे। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, एडिशनल डिटेल्स हैं और डिस्प्ले डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एडवांस सच से लेके या बेसिक सच से लेके कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। ओके, बाय।